हेलो एवरीबॉडी, सक्षम युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री जी ने नई घोषणा की है। यदि आप जानना चाहते हैं क्या खुशखबरी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ आवाज़ के लिए, गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसकी वजह से आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेरोजगार सक्षम युवाओं को मिलता रहेगा भत्ता। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय में भी जो बेरोजगार सक्षम युवा है उनको जो मासिक भत्ता है वो मिलता रहेगा। यहाँ पर आप पढ़िए, अमर उजाला न्यूज़ पेपर में न्यूज़ प्रकाशित की गई है, हरियाणा सरकार बेरोजगार सक्षम युवाओं की सेवाएं लेती रहेगी। और दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय में भी जो बेरोजगार सक्षम है उनकी सेवाएं लेती रहेगी, उन्हें सक्षम बनाने का काम भी जारी रहेगा। सक्षम युवा योजना के तहत 141,770 पात्र सक्षम युवाओं को प्रति माह लगभग 21,55,74,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं। योजना के अनुसार पंजीकृत सक्षम युवाओं को अप्रैल महीने का बेरोजगारी भत्ता व ऑनरेरी असाइनमेंट का जल्दी भुगतान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अप्रैल माह का भी आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा। ठीक है, आगामी महीनों में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। योजना के तहत पंजीकृत पात्र स्नातकोत्तर युवा को 3,000 रुपये, स्नातक युवा को 1,500 रुपये व 10 जमा 2 कक्षा पास युवा को 900 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। सक्षम युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड आदि में एक माह में अधिकतम 100 घंटे का काम देकर 6,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाता है। अप्रैल 2020 में खाद्य एवं पूर्ति विभाग, कृषि विभाग, नगर पालिकाओं, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचायत विभाग, हैपेड, डीसी कार्यालय समेत विभिन्न विभागों में कुल 7,071 सक्षम युवाओं को ऑनरेरी असाइनमेंट पर लगाया गया है, जिनमें से 5,224 युवा ही काम पर आए। बेरोजगारी भत्ता पाने वालों में 10 जमा 2 कक्षा पास युवा 63,000, स्नातक 50,000 तथा 27,000 स्नातकोत्तर युवा शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सक्षम युवा है, मार्च अप्रैल महीने का भी आपको जो भत्ता है वो दिया जाएगा, मासिक भत्ता। और अप्रैल के महीने में भी सक्षम युवाओं को बुलाया गया था और 7,000 युवाओं को बुलाया गया था, लेकिन 5,200 युवा ही अपनी ड्यूटी करने में सक्षम रही, आप पहुंच पाए। तो ये एक बड़ी घोषणा है। मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि इन महीनों का भी आपको जो बेरोजगार सक्षम भत्ता है, मासिक भत्ता है, वो दिया जाएगा आपकी योग्यता के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई। यदि अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो अपने यहाँ तक देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।